लड़कियों का वहीं का ससुराल होता है, वैसे लड़कों का भी तो होगा। तो 15वें वर्ग को कैसे याद करते हैं? 15वें वर्ग के तत्व, भाई 15वें वर्ग के तत्व में नरेंद्र प्रसाद। कैसे भाई? आंसू बहाए। आंसू कैसे बहाए? सुबह सुबह बहाए। कहां बहाए? सुबह सुबह। सुबह बहाए कहां पे भाई? मायके में। अच्छा, जैसे लड़कियों का मायका ससुराल होता है, वैसे लड़कों का भी तो होगा। अरे हाँ भाई हाँ, ऐसा तो है नहीं कि नहीं नरेंद्र प्रसाद का नहीं हो सकता। नरेंद्र प्रसाद चले गए बढ़िया ताव ताव में ससुराल, और ताव ताव जब ससुराल पहुंचे तो वहां दे दी गई उनको क्या भाई? पर वही जो चरी होती है, चरी की सब्जी बना के खिला दू। एक दिन खिलाए बर्दाश्त हो गया, दो दिन खिलाए बर्दाश्त हो गया, तीन दिन खिलाए बर्दाश्त हो गया, और फिर जो रोटी होती थी ना वो इतनी मजबूत कि दांतों से तोड़ने पे न टूटे। तो पारी मिलेगी काटने के लिए। तो बेचारा त्रस्त हो गया, रातों रात एक दिन भाग आया, और रातों रात भाग के घर में गया सो, और जब सवेरे उठा तो लगा रोने। कैसे लगा रोने? मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। तो भाई एक दिन हमने बहुत पहले आपको बताया था कि भाई लव सब के चक्कर में जब पढ़ना तो दोस्तों को हमेशा साथ लेकर रखना, ठीक है? वही होते हैं जो तुम्हारी प्री ट्रेनिंग शुरू कराते हैं, ठीक है? वो हमेशा क्या करते हैं, तुम लोग जो हो ना एनर्जी बूस्टर, तुम खड़े रहते हो संकोच करते हो, पीछे से छुआ देते हैं, जा भैया तुरंत वही ले जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो वही है कि एक भाई जो है, एक दोस्त बोल नहीं पा रहा था, तो दूसरा दोस्त उसके पास पहुंचा, कहता देख भैया वो है अपने यहाँ का कौन, राधे श्याम, कौन कन्हैया, उससे सीखो क्या करना, लव करना। तो वही है, उससे टीपो, क्या करना भाई, टीप तो लेते ही हो, गजब बेइज्जती है, उससे टीपो, और क्या करना टीपो, लव करना। अभी मजा आएगा ना। तो कहानी सिंपल सी हो गई भाई, देखो ओ स से टी को क्या करना भाई, लव करना। करेंगे 17वें वर्ग में। तो भाई अब देखो हुआ क्या, गए लव करने, सीखने गए लव करने, अब लव करने सीखने गए तो पहुंच गए लड़की के घर के बाहर, और लड़की के घर के बाहर जैसे पहुंचे अपनी लाइन लेना शुरू किए, तुरंत आंटी जान गई, और आंटी बड़ी खतरनाक थी। ये है हमारी आंटी। तो फिर क्या हुई भाई, एक दिन तो देख ली, चलो जान दो बच्चा है शायद सुधर जाए, दोबारा ना आए, फिर दूसरे दिन पहुंचा, फिर तीसरे दिन पहुंचा, तो फिर क्या हुआ, आंटी गुस्सा आ गई, तो क्या की, फिर कल बार, भाई हम एक दिन तो चले गए लेकिन दोबारा जो हुआ, फिर कल बार आई, कौन आई, आंटी, और कैसे आई भाई, बड़े टसन में, किसमें आई, टसन में आई, नॉर्मल समझ के रखते हो क्या, तो फिर फ्लोरीन, कल फ्लोरीन, बाहर ब्रोमीन, आई आयोडीन, आंटी एटी, टसन में टीयर। ये देखो हो गया खत्म कहानी। ये बढ़िया था गुरु, ये भी आराम से यार, ठीक है? तो फिर कल आई आंटी, किसमें भाई, टसन में चली आई, ठीक है? हाँ टसन बर्दाश्त नहीं होता उनसे, टसन में आ गई। चलिए को जरा सबर करो। हे नेहा, अरे कृपया जेरॉक्स रंगो ऑरेंज रंग से। कैसे भाई, एक ठोक, आप जानते हो लड़कियों की जो पसंद वो अलग अलग होती है भाई, कलर उनको अलग अलग पसंद है होते हैं। तो एक दिन एक लड़की अपने सहेली के पास गई, कहीं फोटो कॉपी कर दो, फोटो कॉपी तो भैया कैसे निकलेगा, ब्लैक एंड व्हाइट ही निकलेगा, लेकिन उसको क्या चाहिए था, ऑरेंज कलर थे। तो कहती है हे नेहा, कितनी बार तुमसे कहे हे नेहा, अरे कृपया जेरॉक्स जेरॉक्स रंगो, कैसे रंगो भाई, जेरॉक्स रंगो ऑरेंज रंग से, किससे रंगो, ऑरेंज रंग से, हमको यह ब्लैक एंड व्हाइट वाला नहीं चाहिए, पैसा दिए फ्री में थोड़ी, तो जेरॉक्स भी हमको ऑरेंज रंग में चाहिए, ठीक है? ये ऑरेंज कलर से नफरत है भाई, संतरा मिल जाए दबा के खा ली, कह रही कि ऑरेंज कलर से नफरत है। अरे बहुत कलाकार होती लड़कियां भाई साहब, जान दो, चलो यहाँ देखते हैं।